चंद दिनों पहले जिस तरीके से नगर भर में अलग अलग माता के पंडाल को सजाया गया था, यानी कि माता के जयकारों के साथ माँ की गूंज सुनाई दे रही थी, वहीं दूसरी ओर जिले में स्थित वृद्ध आश्रम का जब हमने हाल जानने की कोशिश की तो वहाँ माँ और पिता का जो दर्द है वो निकल के सामने आया। ऐसे में कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है कि जिस तरीके से लोग ईश्वर की पूजा करते हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो जन्मदात्री को इस तरीके से दुत्कारना कितना वाजिब। हमारे साथ और भी कई लोग ऐसे मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर किन हालातों में उन्हें वृद्ध आश्रम का आसरा लेना पड़ा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरी बेटी है यहाँ पर, मैं उसी के पास रहती हूँ। किन हालातों में आपको यहाँ आना पड़ा? आपकी कितने बेटे हैं?